है, जब से हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार आई है तब से खासकर किशनगंज में और सीमांचल में ये घुसपैठी का मुद्दा बहुत ज्यादा उठ रहा है। बिहार में कोई घुसपैठ नहीं, देखिए ये भी बीजेपी की है ना, सीमांचल को घुसपैठ का ठिकाना बनाकर यहाँ की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। बिहार में कोई घुसपैठ नहीं है। जदयू वाले बोल रहे हैं कि नहीं है और भी नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि है। तो 2014 से बीजेपी ने कितने आदमी को घुसपैठियों को निकाला, या कि एक भी डाटा उनके पास है? वैसा तो कोई डाटा उनके पास है नहीं, तो वो बस आम जुमला है, वो जुमला बोल रहे हैं। 71 में जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, उस समय भी बहुत सारे लोग आए। बंगाल में एक मितवा कम्युनिटी है जो बांग्लादेश से ही यहाँ माइग्रेट करके आई है। तो घुसपैठ को सिर्फ मुसलमान से जोड़ने का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। घुसपैठिया हिंदू भी है, मुसलमान भी हो सकता है, वो कोई जरूरी नहीं है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। लेकिन एक समय तक तो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आके बसे थे ना यहाँ पे, बहुत साल 1980 के आसपास की बात कर रहा हूँ, अभी से 44-45 साल पहले की एक संख्या में बांग्लादेश से लोग आए थे। लेकिन वो आके यहाँ के नागरिक बन गए, जो भी रजिस्टर था सिटीजनशिप रजिस्टर, वो यहाँ के नागरिक बन गए। तो उनको बार बार घुसपैठिया करार देना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ही करती है, सारी पार्टियाँ अपने अपने तरीके से यहाँ के लोगों को भुनाती रही हैं, तो वो भी कहते हैं। तो इस पे क्या सोचना है, इस वाले टर्म पे थोड़ा मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ आपसे, समझना चाह रहा हूँ जो घुसपैठ वाला पूरा सिनेरियो है, ये पहले से कैसा चला आ रहा है, अभी कैसा है, इसको थोड़ा समझा सकूँ अगर तुम तो। पहले तो कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन ये 2014 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब से हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार आई है तब से खासकर किशनगंज में और सीमांचल में ये घुसपैठी का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ रहा है। अच्छा। और ये NDA सरकार, फिर जब से नीतीश सरकार जो NDA में शामिल हुए हैं, इसके बाद से और ये मुद्दा ज़्यादा उठ रहा है। यहाँ के मंत्री साहब भी है, वो भी किसी को लाते हैं और कह देते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ। ये सही बात नहीं। आप जो कहें कि जो भी पहले आए थे वो सिटीजनशिप के तहत नागरिक हो गए हैं यहाँ के, तो उनको घुसपैठ कहना ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह के कोई घुसपैठ नहीं कहना चाहिए। यहाँ का जो भी मुद्दा है, डॉक्टर जावेद साहब को लोगों ने 5 साल दिया, लेकिन वो क्षेत्र में नहीं आए, काम नहीं कर पाए। वो अलग बात है, वो मैंने दूसरे बाकी लोगों से कर ली वो बातचीत कि जावेद आए कि नहीं आए, और ओवैसी ने क्या किया नहीं किया, जदयू ने क्या किया नहीं किया, वो मैं बातचीत कर चुका हूँ। ये मैं मैटर को थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मसलों को थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कौन था आप? जी मैं तो पार्टी पार्टी तरफ से बात करूँगा, तो थोड़ा सा आपका नंबर बाद में ही आएगा। आप लोगों से बातचीत करूँ? हाँ जी। क्या नाम है आपका? MD मुबस्सिर आलम। हाँ, मुबस्सिर आलम। मुबस्सिर आलम जी, मैं वही मसला फ्लोट कर रहा हूँ, बांग्लादेशी घुसपैठ वाला, ठीक है, जो बार बार नैरेटिव की तरह पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होता है कि बांग्लादेश से लोग आए घुसपैठ करके आए, जो नरेशन बार बार इस्तेमाल होता है, मैं वो बात ही का सिरा आगे लेकर आ रहा हूँ। इन्होंने की 2014 के बाद से, लेकिन देश में NDA की सरकार पहले भी आई हुई है, साल 2004 के पहले भी आई हुई है, ठीक है। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कोट अनकोट सेकुलर सरकारें भी आई हुई हैं। सरकारें कभी सेकुलर होती नहीं है, उनका काम करने का तरीका कभी सेकुलर होता नहीं है, वो अपने मोटों में अपने घोषणा पत्रों में जरूर सेकुलर होती हैं, लेकिन जब वोट मांगने की बारी आती है तो वो नितांत असेकुलर होती हैं, ठीक है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि घुसपैठ का मुद्दा जो है आपके नज़रिए से कैसा दिखता है, आपके लेंस से कैसा दिखता है ये मुद्दा पूरा? सबसे पहले मैं आपको जो है दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, हम लोग के बीच में आए और लोगों से जो है बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद है किशनगंज आने में। देखिए सर, ये राजनीति का मसला ये है कि भारत इंडिया जो है मोहब्बत करने का इंडिया, ठीक है, ये इंडिया में भारत में लोग जो है ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब सब भाई भाई है। और ख़ास करके पूरे सीमांचल में हमारे ये किशनगंज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हम लोग बनकर रहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी रहेंगे। मगर 2014 से जो है ये सरकार जो आई, जब से ये जो है पूरे भारत में जो है ना लोकतंत्र को जो है तोड़ने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और घुसपैठी आप बात कर रहे हैं, घुसपैठी जो है भारत में मेरे नज़रिया से जो है कोई नहीं है। ये जो है सिर्फ बस लोगों को जो है जुमलाबाजी का बहका रहे हैं, उसको जो है यानी बेइल्मी की बुनियाद पर जो है लोगों को घुसपैठी कह रहा है। जब घुस बेबुनियादी पर जब अगर घुसपैठी जब आया था तो उसमें उस वक्त आप उसको कार्रवाई करना चाहिए।
जब इलेक्शन जब आता है तब जो है आप लोग जो है ये मुद्दा उठाते हैं, घुसपैठी आ गया, ये आ गया, उसके बाद जो है NRC लागू कर रहे हैं, CA लागू कर रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी सरकार जब थी तो ऐसा कोई मामला नहीं था जो है घुसपैठी आ गया, ये आ गया। सबसे पहले मैं उनके इल्ज़ाम होते हैं, सरकार के इल्ज़ाम होते हैं कि पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उनके इल्ज़ाम होते हैं कि पहले की सरकारों ने घुसपैठियों को लाकर बसाया। आप सुनते होंगे इस तरह के इल्ज़ाम, वो पिछली सरकारों पर ये इल्ज़ाम लगाती है, मौजूदा सरकार लगाती रही। अब बताइए आप, क्या पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया? मतलब ध्यान नहीं दिया, 2014 से मोदी सरकार है देश में, उसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल तक, उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया क्या? क्या घुसपैठ इतनी बड़ी समस्या रही है सच में? मैं स्केल जानना चाह रहा हूँ। 2014 से अगर बीजेपी की सरकार रही तो 2014 से बीजेपी ने कितने आदमी को घुसपैठियों को निकाला, या कि एक भी डाटा उनके पास है? वैसा तो कोई डाटा उनके पास है नहीं, तो वो बस आम जुमला है, वो जुमला बोल रहे हैं। अगर वैसा कुछ है तो कोई प्रूफ दिखा दे। वो आज देखिए एक न्यूज़ है, आज मैं यह देख रहा था, इसको देखिएगा आप, इसको सुनिए आप, ये क्या है, ये देखिए इसको सुनिए आप, देखिए इसको सुनिए, देखिए इसको सुनिए, इसको भी आप दिखा दीजिए सर, इसको सुनिए। बिहार में कोई घुसपैठ नहीं, देखिए ये भी बीजेपी की है ना, ये भी बीजेपी की है ना, मास्टर मुजाहिद साहब ही हैं। एक मिनट एक मिनट, देखिए इसको इसको सुनिएगा गौर से। उन्होंने कहा हाँ, आप पीएम मोदी की क्लिप प्ले कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, बस ये आम जुमला है, इसको घुसपैठ का ठिकाना बनाकर यहाँ की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। बिहार में कोई घुसपैठ नहीं है, कोई डाटा है। अच्छा, बीजेपी के भी कैंडिडेट है, वो भी अभी अच्छा, वो जदयू वाले बोल रहे हैं कि नहीं है, और भी नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि है। इसमें बात कुछ नहीं है, बस ये बात कुछ नहीं, ये एक जुमलाबाजी है और कोई बात नहीं। आदमी को कैसे भड़काना है, मुसलमान को तो ऐसे ही बदनाम किया गया है, और बस यही है, और कोई बात नहीं है इसमें। क्या बोल रहे दोस्त साहब? सर वही बोल रहे थे कि जब मतलब हमारे प्रधानमंत्री आके सीमांचल में आके जब सीमांचलियों को घुसपैठी, आज नहीं बहुत दिन से बोलते हैं, और ये वो लोग मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लीडर उस वक्त उन लोगों के मुंह में दही जम जाती है, और वोट मांगने के लिए तब जनता के बीच में जाते हैं, और उनके ही गठबंधन में है सरकार, जदयू और बीजेपी तो गठबंधन में है, उनके शीर्ष नेता भारत के प्रधानमंत्री सीमांचल में आके बोल के जाते हैं कि यहाँ पे मतलब सीमांचल के जितने भी मतलब मुसलमान आए हैं घुसपैठी करके आए हैं, और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो चुप रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मतलब वही जुमलाबाजी है। और आप कुछ बोल रहे थे, आपके एक सवाल पर एक जवाब लूँगा, मुझे वो थोड़ा सा इंट्रीगिंग लगा है, लेकिन मैं यहाँ पे जो थोड़े से उम्रदराज जो लोग जो हैं, जो थोड़ा समझते होंगे यहाँ की चीज़ों को, मैं उनसे थोड़ा मुखातब होना चाहूँगा। देखिए घुसपैठ शब्द जो है ना, वो बड़ा सा एक निगेटिव कॉनोटेशन लेकर आता है किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। मैं शरणार्थी शब्द का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। मैं मणिपुर कई बार गया हूँ इस पूरे एक साल में, जब से वहाँ से हिंसा हो रही है मैं कई बार गया हूँ। उसकी सीमा सटी हुई है बर्मा से, म्यांमार से बहुत सारे शरणार्थी आते रहे हैं देश में। बंगाल में और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो कई हिस्सों से पोरस है, कई हिस्सों से कटा हुआ है, वहाँ से भी शरणार्थी देश में आते रहे हैं। आसपास के देशों से भी शरणार्थी देश में आते रहे हैं। नेपाल से तो बॉर्डर हमारा ओपन ही है पूरा, वहाँ से भी कई दिशा में आते रहते हैं। यहाँ पर भी हुआ ही होगा एक समय पे, शरणार्थी इस इलाके में आए होंगे। ये अब नहीं होता होगा, अब थोड़ा सा चुप हो गया होगा, अब कमी आई होगी इसमें, लेकिन एक समय हुआ होगा। इसको लेके पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, आपका क्या सोचना है इस पर? मेरा सोचना है कि 71 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, मेरा नाम हसन साहबानी हुआ, 71 में जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, उस समय भी बहुत सारे लोग आए जी। बंगाल में एक मितवा कम्युनिटी है, मितवा अच्छा, जो बांग्लादेश से ही यहाँ माइग्रेट करके आई है। वो मतलब जितने मितवा हैं वो बांग्लादेश से ही आए हैं। उनका एक मंदिर भी है बांग्लादेश में। अच्छा। पिछले बार जो बंगाल में चुनाव हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश में जाकर के उस मंदिर में जाकर के उस दिन थे, दर्शन किए थे, खास चुनाव के दिन ही किए थे। तो घुसपैठ को सिर्फ मुसलमान से जोड़ने का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। घुसपैठिया हिंदू भी है, मुसलमान भी हो सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो सिर्फ घुसपैठ का मुद्दा इलेक्शन के ज़माने में ही उठाया जाता है, चाहे ये विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। इसको एक पोलराइजेशन करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में
पॉलिटिकल स्टैंड है बस, और कुछ भी नहीं है। ये बात आपने सही ध्यान दिलाई है कि हर सेक्ट के लोग आए होंगे, अगर शरणार्थी के तौर पे आए हैं तो हर तरह के लोग आए होंगे वहाँ से।